दोस्तों, क्या आपने कभी कारों को क्रश करते हुए मशीन को देखा है? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक और पावरफुल मशीन के बारे में, जिनके काम को देखकर आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। कार श्रेडिंग एक बहुत ही कमाल की मशीन है। ये मशीन देखते ही देखते गाड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेड कर देती है। इस मशीन में दो पावरफुल श्रेडिंग रोलर लगे हैं, जो कि गाड़ियों को लगातार अंदर खींचते हुए उन्हें श्रेड करते जाते हैं, और फिर इन श्रेड किए हुए टुकड़ों को एक अलग कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इकट्ठा कर लिया जाता है। दरअसल कबाड़ में पड़ी वेस्ट गाड़ियों को रिसाइकल करने के लिए इन श्रेडिंग मशीन द्वारा उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेड किया जाता है। इसके अलावा वेस्ट कारों को रिसाइकल करने के लिए एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कार कंप्रेसिंग कहा जाता है। इसमें एक हाइड्रोलिक चैम्बर में एक कार की बॉडी को रखकर उसे हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर उसे अपने रियल साइज से 10 गुना तक कंप्रेस कर दिया जाता है। फिर ये कंप्रेस की हुई कार एक छोटे से मेटल बॉक्स की तरह नजर आती है। मिलिट्री रोड लाइन, ये मशीन एक चलती फिरती टेम्पररी रोड बनाने की मशीन है। मिलिट्री में कई बार ऐसा होता है कि सेना को जंगलों के मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, और वहां सड़कें भी नहीं होती है। ऐसे में वहां से मिलिट्री के भारी व्हीकल्स को गुजारना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस्तेमाल किया जाता है इन टेम्पररी रोड लाइन मशीन का। ये मशीन कुछ ही मिनट में एक टेम्पररी रोड को जमीन पर बिछा देती है, जिसके बाद मिलिट्री के भारी से भारी व्हीकल्स को भी आसानी से इस पर से गुजारा जा सकता है। और इन टेम्पररी रोड लाइन मशीन का इस्तेमाल समुद्री जहाजों से डायरेक्टली बीच पर व्हीकल्स को उतारने के लिए भी किया जाता है। जेनेसिस XT, ये एक मेटल शेयरिंग मशीन है, जिसका इस्तेमाल खराब हो चुके लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि इनका फिर से रिसाइकल किया जा सके। इस मशीन में एक पावरफुल जोर लगा है, जिसकी हाइड्रोलिक पावर हैवी से हैवी मेटल को आसानी से काट कर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। और इस मशीन की मदद से वेस्ट हुचके व्हीकल्स को भी रिसाइकल करने के लिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आसानी से इसे क्रैप में बदला जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्टिंग, ये भी एक काफी पावरफुल मशीन है, जिसका इस्तेमाल लोहे की चीजों को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें स्टील की एक बड़ी सर्कुलर प्लेट लगी होती है, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देकर एक हाई पावर मैग्नेट में बदल दिया जाता है। जब इस मशीन के जरिए लोहे को उठाना होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगती है। और जब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हटा लिया जाता है, तो ये लोहे को छोड़ देती है। इस तरह के मशीनों का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर लोहे के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को उठाने में किया जाता है। एंटीगो, इसका इस्तेमाल सड़कों के मेंटेनेंस का समय उसे तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में पीछे की तरफ एक हैमर लगा है, जो कि बार बार सड़क पर स्ट्राइक करता है। इसके हैमर का वजन 6 टन है, और इस हैमर को 5 से 9 फीट के हाइट से ड्रॉप किया जाता है, जिस वजह से सड़क एक झटके में ही एक बार में पूरी तरह से टूट जाती है। और सड़क तोड़ने की इस प्रोसेस में कंक्रीट ज्यादा ना उछले, इसलिए उसके हैमर को चारों तरफ से छोटी छोटी चैन से कवर किया गया है। रॉक क्रशर, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पत्थरों को क्रश करने के लिए किया जाता है। पत्थरों को क्रश करने के लिए उन्हें इस मशीन के कंटेनर में लगातार डाला जाता है, और इसमें घूमता हुआ क्रशिंग रोलर इन पत्थरों को धीरे धीरे क्रश करते जाता है। इसके रोलर पर लोहे के नुकीले ट्वीट लगे होते, जिसे पत्थर कट कर लगातार टूटते रहते हैं और नीचे इकट्ठा होते रहते हैं। वुड चीपर, इस मशीन का इस्तेमाल लकड़ियों को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में क्रश करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक कन्वेयर प्लेटफॉर्म लगा होता है, जिस पर एक क्रेन होल्डर की मदद से लगातार लकड़ियों को इस पर रखा जाता है, और फिर इस मशीन में लगा क्रशिंग रोलर इन लकड़ियों को अंदर खींचते हुए उन्हें लगातार क्रश करते जाता है। और क्रश की हुई लकड़ियों को यह मशीन एक एयर पंप के जरिए दूर इकट्ठा करते जाती है। और यह मशीन इतनी पावरफुल है कि महज कुछ ही घंटों में ये कई टन लकड़ी को वुड चीपर पर में कन्वर्ट कर देती है। इन वुड चीपर का इस्तेमाल मुख्य रूप से पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर बनाने में और गार्डन्स में लैंड को फर्टाइल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैगर 228, ये एक बकेट व्हील एक्सेलेटर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सरफेस माइनिंग मशीन है। इसमें लगा बकेट भी लगातार घूमते हुए माइनिंग करते जाता है। इसके रोटेटिंग व्हील का डायमीटर 21 मीटर है, और इसमें 18 बकेट लगाया जाता है, और इसमें लगे हर एक बकेट की कैपेसिटी 7 टन है। इसी वजह से यह मशीन कई मेट्रिक टन कॉल महज कुछ ही घंटों में माइनिंग कर देती है। इस मशीन द्वारा माइन किए गए कॉल को एक बहुत लंबे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू लगातार आगे चलने दिया जाता है।
और फिर इस कॉल को वहां से ट्रकों में भरकर आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है PNH 4100C। ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक रोप शवेल है। इस शवेल का इस्तेमाल भी सरफेस माइनिंग के लिए किया जाता है। इसके शवेल का साइज इतना बड़ा है कि ये एक बार में 100 टन तक कॉल को ट्रक में लोड कर सकता है। H25IVC ये एक स्टोन क्रशिंग रोलर है जिसका इस्तेमाल स्टोन को क्रश करने के लिए किया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन के समय बड़े बड़े पत्थरों को यह मशीन अपने रोलर्स के नीचे दबाकर क्रश करती जाती है। इसके रोलर्स के ऊपर लगे नुकीले टीट और इसकी खतरनाक वाइब्रेटिंग पावर पत्थरों को काफी आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती जाती है। इम्पैक्ट रोलर, इस तरह के रोड रोलर बहुत कम लोगों ने देखे होंगे क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल भी रोड कंस्ट्रक्शन के समय ही किया जाता है। सड़क पर पत्थर और मिट्टी को डालने के बाद इन पर इन रोलर को चलाया जाता है। ये रोलर सड़क पर झटके से एक गहरा इम्पैक्ट डालते हैं जिससे कि सरफेस पूरी तरह से सॉलिड हो जाती है। ये रोलर 5-साइडेड और 3-साइडेड दोनों ही तरह के व्हीकल्स में आते हैं। बताया जाता है कि इन रोलर के इस्तेमाल से बनी सड़कों के जमीन में धंसने की समस्याएं काफी कम देखी जाती है। कुबेल को डिमोलिशन, ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड क्रेन है। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। इस क्रेन में कुछ अलग अलग तरह के अटैचमेंट भी मिल जाते हैं जिन्हें अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रेन की हाइट 213 मीटर है यानी कि इसके जरिए 20 से 25 मंजिला इमारत को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और इस क्रेन के अटैचमेंट के जस्ट पहले एक कैमरा भी लगा है। इसी वजह से इसका ऑपरेटर इतनी दूरी से कैबिन में बैठे हुए भी इसे इतनी आसानी से ऑपरेट कर पाता है। CDC कॉम्पैक्शन, ये एक सरफेस कॉम्पैक्शन मशीन है जिसका इस्तेमाल किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन से पहले वहां की जमीन को सॉलिड बनाने के लिए किया जाता है ताकि वहां होने वाले कंस्ट्रक्शन को एक मजबूत बेस मिल सके। इस मशीन के सर्कुलर बेस को जमीन पर रखकर इस पर हैमर से बार बार स्ट्राइक किया जाता है। इस पर लगे हैमर का इम्पैक्ट 16 टन के बराबर होता है और ये हैमर 40 से 80 स्टॉप पर मिनट जमीन पर मार सकता है। इसके हैमर के स्ट्रोक के वाइब्रेशन की वजह से मिट्टी के पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं जिससे वहां की सरफेस काफी मजबूत हो जाती है। इस तरह से तैयार की गई सरफेस कंस्ट्रक्शन के लिए एक आइडियल सरफेस मानी जाती है। चाइनिंग ब्रश, इस एडवांस टेक्निक की मदद से जंगल के एक बड़े हिस्से का सफाया काफी कम समय में किया जा सकता है। इसमें पेड़ों को काटने के लिए लोहे की एक मोटी चेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चेन को दो हैवी व्हीकल्स के बीच में बांध दिया जाता है और फिर इन दोनों व्हीकल्स को पेड़ों को दोनों तरफ से कवर करते हुए चलाया जाता है। जैसे ही ये व्हीकल्स आगे बढ़ते जाते हैं तो इनके बीच में आने वाले सारे पेड़ इसके चेन में फंस कर गिरते जाते हैं। जहां जहां से इसकी चेन गुजरती है वहां से हर छोटा बड़ा पेड़ पूरी तरह से जड़ से अलग हो जाता है। इस तरह की एडवांस मशीनों से जंगलों का सफाया काफी तेजी से किया जा रहा है। चेन ट्रेंचर, इस मशीन के जरिए जमीन में एक सीधी लाइन में खुदाई की जाती है। ये मशीन 15 फीट गहरी और 5 फीट चौड़ी लाइन जमीन में खोद सकती है और ये मशीन खोदी गई मिट्टी को एक पंप के जरिए साइड में इकट्ठा भी करती जाती है। इस मशीन का इस्तेमाल सीवेज गैस, ऑयल और वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने में किया जाता है। इस कंपनी द्वारा एक और मशीन बनाई गई है जिसे डिस्क ट्रेंचर कहा जाता है। ये मशीन कंक्रीट जैसे सॉलिड सरफेस पर या फिर सड़क पर भी 1 मीटर गहरी और 1 फीट चौड़ी लाइन में खुदाई कर सकती है। इस डिस्क ट्रेंचर का इस्तेमाल ऑप्टिक फाइबर केबल को जमीन में अंडरग्राउंड करने के लिए किया जाता है। स्टोन पीकर, ये भी एक कमाल की मशीन है जिसका इस्तेमाल मिट्टी में से स्टोन को अलग करने के लिए किया जाता है। जिस भी जगह से स्टोन को पिक करना होता है वहां इस मशीन अटैचमेंट को ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है। ये मशीन मिट्टी को कंटिन्यू फिल्टर करती जाती है और मिट्टी को वापस जमीन पर फेंकती जाती है और स्टोन को पिक करके एक कंटेनर में इकट्ठा करती जाती है और फिर कंटेनर के भर जाने के बाद इसके कंटेनर को स्टोन से खाली कर लिया जाता है। तो दोस्तों, इनमें से सबसे अच्छा मशीन कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।